गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्लस टू क्लास की केमिस्ट्री की यूनिट चल रही है सॉल्यूशन। उसका टॉपिक आ गया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? देखो भाई, कोलिगेट मींस होता है, कोलिगेट मींस इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। इंटरलिंक्ड यानी आपस में जुड़ी हुई हो, ठीक है? तो देखो भाई, यानी कि दोज प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है भाई, दोज प्रॉपर्टी यानी कि विच आर ओनली किसके ऊपर डिपेंड हो, विच आर ओनली डिपेंड होनी चाहिए भाई, किसके ऊपर डिपेंड होनी चाहिए? तो अपॉन द नंबर ऑफ मोल, अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। तो स्पेशली याद करनी है आपने, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो जो किसके ऊपर डिपेंड हो, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर हो। किसके मोल? ऑफ सोल्यूट के, ठीक है? तो यानी कि अब आपको पता चल गया, जो सोल्यूट के मोल के ऊपर डिपेंड करती है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट डू नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए वो भी याद रखनी है, ठीक है? ऑन द कहता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ सोल्यूट। किसके ऊपर? नेचर ऑफ सोल्यूट, ठीक है? तो नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार की बताई है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है? तो एक एक करके प्रूव करते हैं इनको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो भाई कैसे प्रूव करते हैं, देखिए आपने है ना याद करना है, तो इसकी डेफिनेशन बाद में बताते हैं। देखिए कैसे, देखो बाद में डिफाइन करते हैं, पहले प्रूफ देख लेते हैं। देखो कैसे, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट, ठीक है? तो ये बात है, श्योर है? उसके बाद तो हमने पढ़ा है किसके लिए, देखो रॉल्स ला फॉर दोज सॉल्यूशन विच कंटेन्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। देखिए कैसे, अब नॉन वोलाटाइल है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द क्या आ जाएगा? अब आपने पढ़ा क्या, देखो ए को तो किससे मान के चल रहे हैं, सोल्यूट को, और क्या आ जाएगा? बी क्या है? सोलवेंट है। तो इसका मतलब क्या आ गया, अब आपको पता चल गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगा? जीरो। तो पी एस किसके बराबर आ गया? पी बी के। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बोलो? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? तो पी बी किसके बराबर होता है? पी नोड बी, और क्या आ जाएगा? एक्स बी। तो एक्स बी आपको याद है ही, आपने पढ़ा था कि एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है? वन। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या आ गया? वन माइनस एक्स ए। तो इसमें अप्लाई कर दिया तो पी एस इज इक्वल टू पी नोड बी इंटू में वन माइनस एक्स ए। इसको खोल दिया तो पी एस इज इक्वल टू क्या आ गया? पी नोड बी माइनस का पी नोड बी, और क्या आ गया? एक्स ए। इसको इधर ले आए तो क्या आ गया? पी नोड बी एक्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया? पी नोड बी माइनस का पी एस। अब देखो एक्स ए क्या आ गया? पी नोड बी, और क्या आ गया? माइनस पी एस अपॉन में क्या आ गया? पी नोड बी। इधर ले आए, ठीक है? तो देखो भाई ये सॉल्यूशन निकल के आया। अब देखो यहाँ से देखो, एक्स ए क्या मोल फ्रैक्शन है, क्या है मोल फ्रैक्शन? ए क्या है आपका? सोल्यूट। तो क्या आ जाएगा? आपने पढ़ा था कि किसी का भी क्या है मोल फ्रैक्शन निकालने पर जाएं तो क्या कहते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट एंड ए सोलवेंट, ठीक है? तो देखो भाई पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी। तो देखो ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है कि नहीं? तो इट मीन्स इसका मतलब दिस इज नॉन एज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसको क्या बोलते हैं? देखो ये याद रखना है आपने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भाई, ठीक है? तो देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या?
तो वो स्पेशली याद करना है। तो ये किसके बराबर था, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ऊपर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है सोलवेंट, प्योर है सोलवेंट। तो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ गया, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, वेपर प्रेशर ऑफ है प्योर सोलवेंट। ठीक है, तो आपको इस प्रकार डिफाइन करना है। तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका मॉलिकुलर मास निकालना हो तो इसको हम प्रूव कर सकते थे। देखो कैसे, देखिए एन ए अपोन में क्या आ गया, अब आपने पढ़ा कि एन ए प्लस में क्या आ गया, एन बी, तो क्या आ गया इज इक्वल टू क्या है आपका, पी नोड बी माइनस में पी एस अपोन में पी नोड बी। अब देखो ये तो क्या आ गया, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। ऊपर ऊपर वाला लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, नीचे वाला क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो देखो सोल्यूट नाम मात्र के हैं तो जीरो का अप्रोक्सीमेटली, तो इसका मतलब एन ए प्लस में एन बी किसके अप्रोक्सीमेटली, लगभग किसके आ गया, तो एन बी के ही। तो एन ए अपोन में क्या आ गया, एन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी नोड बी माइनस में पी एस अपोन पी नोड बी। तो देखो एन ए कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपोन में मॉलिकुलर है मास। ठीक है, इसी प्रकार इसका आ जाएगा, गिवन मास सोलवेंट का है तो सोलवेंट का मान लिया तो क्या आ जाएगा, एम बी। ठीक है, तो इज इक्वल टू पी नोड बी माइनस का क्या आ गया, पी एस अपॉन पी नोड बी। तो इसी को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ए अपॉन में एम ए गुणा में क्या आ गया, एम बी। ठीक है, अपॉन में बी इज इक्वल टू पी नोड बी माइनस पी एस अपॉन पी नोड बी। अब देखो मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसका निकालना है तो इसका निकाला जा सके है। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास निकाला जा सके, मोलर मास जिसको बोलते हैं। आइए, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। थैंक यू।